हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्टम क्लासेस गो। आज देखिए मानचित्र अध्ययन और यह अंतिम चैप्टर है, ठीक है। ज्योग्राफी का यह अंतिम चैप्टर है मानचित्र अध्ययन, और इस चैप्टर में हम आज बताने वाले हैं। मात्र दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा जाता है कि से कौन से विधि द्वारा मानचित्र आकर्षक दिखता है और ताज़ा दिखता है, तो हाइसुर विधि के द्वारा, उसे भी याद रखिएगा। तो इससे प्रश्न हम लेकर आए हैं। देखिए, मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें सोशल साइंस का पूर्ण रूप से एक गैसिंग क्वेश्चन होगा, और मुझे अंदाज है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और ये वीडियो में दो दिन के बाद हम डालने वाले हैं, एक दो दिन के बाद हम डाल ही देंगे, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक। मतलब 17 तारीख को आपको एग्जाम है, तो 14 तारीख तक हम बेचेंगे, ठीक है। 14 तारीख को हम आप डाल देंगे या 13 तारीख को, और आप इसको देख लीजिएगा। लगभग 224 क्वेश्चन हमने टाइपिंग करवाया है, और उस चीज़ को हम बता देंगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सारा डाल देंगे उसी दिन। खैर, आज देखिए मानचित्र अध्ययन। अब इसको ऊंचा वच को निवारण करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। खैर, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ऊंचा वच प्रदर्शन करने के लिए ऐसे विधि का विकास किसने किया था? तो यह किया था ऐसे विधि का लेमान ने किया था विकास, ठीक है। एस्ट्रिया का रहने वाला था, एक सैन्य अधिकारी था, इसी ने हैसिल विधि का विकास किया था। मित्रों, हैसिल विधि में होता ऐसा है कि से जल इधर बहती है ना, मतलब ढलान की ओर जो बहती है जल, उसके की ओर क्या होता है कि अगर ज्यादा अगर तीव्र ढाल वाला होता है, तो ज्यादा अगर तीव्र ढाल वाला होता है मित्रों, तो उसको गहरी लाइन के द्वारा दर्शाई जाती है, और यदि कम ढाल होता है तो वह थोड़ा थोड़ा लाइन वाले दर्शाई जाती है, मतलब गहरी न बल्कि कम लाइन से दर्शाई जाती है, ठीक है। तो उसके द्वारा दर्शाया जाता है। सब हैसिल विधि में होता है। ऊंचा वच प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे हैसिल विधि भी है, पर्वतीय छायाकरण विधि है, तलचिन विधि है, स्थानिक ऊंचाई है, और त्रिकोणमितीय स्टेशन है, और समोच्च रेखाएं हैं, ये सब कुछ विधि हैं मित्रों। अस्तर रंजन विधि है, ये सब विधि है। तो ये सब 6-7 विधि है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है, ऊंचा वच के प्रदर्शन को दर्शाया जाता है। तो अगर बात करते हैं हम लोग ऐसे विधि, तो बता ही दिए कि यदि जो ज़्यादा ढलान होगा उसको गहरी लाइन द्वारा दर्शाते हैं, और जो कम ढलान होता है वो कम लाइन द्वारा दर्शाते हैं, हटहट के दर्शाते हैं। और बात रही जहाँ तक पर्वतीय छायाकरण विधि को, तो पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या होता है कि उत्तर और पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से क्या होता है, उत्तर पश्चिम के बीच से लाइट भेजा जाता है, और लाइट देने के पश्चात जो ऊंचा होगा तो अपने आप पता चल जाएगा, और जो नीचा होगा सब पता चल जाएगा। मतलब लाइट के द्वारा पता कर सकते हैं कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीची है ढलान, वो सारा जमीन पता किया जा सकता है। तो ये सब विधि किसके द्वारा किस में आ जाता है? तो वह आ जाता है त्रिकोणमितीय पर्वतीय छायाकरण विधि में आ जाता है। छायाकरण नाम है पर्वतीय छायाकरण, तो इसके द्वारा पता चल जाएगा कि भूमि कैसा है, ढलान है या फिर ऊंचा है। तो ये छायाकरण विधि, तो लाइट मारेंगे तभी तो छाया आएगा, इसलिए तो नाम तराया है पर्वतीय छायाकरण विधि। अब अगला जो है सो तलचिन्ह है। तो तलचिन्ह इसको कहते हैं कि जो स्थिर जो वस्तु होते हैं, ठीक है। अब उसका समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है। जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं हम तलचिन्ह कहते हैं। तो स्थिर जो वस्तु है, जैसे भवन हो गया, पुल हो गया, ये सब जो है उसको मापा जाता है, समुद्र तल से मापी जाती है। तो उसको मापने की जो विधि होता है, जो चिन्ह होता है, उसको कहता है तलचिन्ह विधि कहा जाता है। अब उसके बाद रही स्थानिक ऊंचाई, तो जो तल चिन्ह के सहायता से मापी जाती है दूरिया, उसको कहा जाता है क्या? स्थानिक ऊंचाई। प्रश्न में दे दिया गया कि तल चिन्ह के सहायता से जो मापी जाती है उसको हम कहते हैं क्या? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। तो तल चिन्ह के सहायता से, तल चिन्ह समझिएगा कि जो स्थिर वस्तु होता है उसको मापा जाता है, समुद्र तल से मापी जाती है दूरिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं तल चिन्ह कहा जाता है। तो स्थानिक चिन्ह हो गया। अब त्रिकोणमितीय स्टेशन की बात है, तो रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है एकदम त्रिभुज के टाइप रहता है, और लिखा हुआ रहता है कितना ऊंचा पर यह रेलवे स्टेशन बनाई गई है, तो वो सब लिखा हुआ रहता है उस पर। तो यह त्रिभुजाकार आकृति रहती है उस पर लिखा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। एक होता है अस्तर रंजन विधि। अस्तर रंजन विधि में होता है ऐसा है कि जो नक्शा पर ऐसा दर्शाया जाता है कि जो जल जो होता है ना उसको नीला रंगों के द्वारा दर्शाया जाता है जल को, और जो बर्फीली एरिया है, बर्फीली एरिया तो उसको सफ़ेद के द्वारा दर्शाया जाएगा, और जो पर्वतीय एरिया है उसको बादामी या फिर कथी रंगों के द्वारा दर्शाया जाता है, और जो मैदानी रंग है, मैदानी
जो फील्ड है उसको दर्शाया जाता है वह हरा रंगों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो पता चल जाता है कौन सा कैसा होने है किधर क्या है, तो इसको नक्शा पर दर्शाया जाता है। तो ये सब कुछ विधियां हैं। समोच्च रेखा विधि होता है, यदि मान लिया कि जैसे आप ग्राफ देखेंगे तो जो ऊंचा ऊंचा है तो ऊंचा ऊंचा से लाइन खींची जाएगी और जो थोड़ा नीच नीच है तो वैसे वैसे खींचा जाएगा, तो सब खींच करके बनाया जाता है, एक समोच्च रेखाएं विधि होता है। समोच्च रेखाएं विधि में पढ़ना है पर्वत पठार ये सब पढ़ना है, तो देखो क्या होता है पर्वत पठार मैदानी भाग क्या होता है, ये सब क्या है एक मैदानी भाग है, और ये जब ऊंचा होकर के और इस मैदानी के टाइप से रहता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम पठार कहते हैं। यह मैदानी भाग है, यह पठार है, और जैसे ही ये ऐसे जाएगा पहाड़ टाइप का होता है, ये पहाड़ इसको कहते हैं पहाड़, और जब इसमें चोटी निकल जाती है ना तो पर्वत इसको कहते हैं। इसमें क्या है, ये चोटी है ना, अब चोटी है, जिस पहाड़ में चोटी रहेगी तो हम उसको क्या कहते हैं, इसका नाम देते हैं पर्वत, इसको हम पर्वत देते हैं। यही अंतर है कि मैदानी पठार पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है, ऐसे जो सिंपल भूमि है उसको कहते हैं मैदानी, और ऊंचा होकर के जब सिंपल हो जाता है तो पठारी का पहाड़ कहते हैं, और जब ऐसे ही ऊंचा एकदम गोल टाइप का होता है तो उसको पहाड़ कहते हैं, अगर इसमें चोटी अगर उत्पन्न हो गया तो उसको हम पर्वत कहते हैं। तो इसमें इतना ही ऐसा ही पढ़ना था, ठीक है, यही इतना पढ़ना था। तो आप इसको देखे होंगे, और आप देख रहे हैं कि क्या प्रश्न थे और क्या उत्तर थे, इससे जो जुड़े हुए प्रश्न थे दो तीन चार प्रश्न और प्रश्न थे, लेकिन जो मुख्य रूप से था वो इस चीज़ हमने देने का प्रयास किया है। और एक बात और वो याद रखिएगा, कैसे विधि द्वारा आकर्षक दिखाई देता है और ताज़ा दिखाई देता है, तो हैसी विधि के द्वारा, है ना, और हैसी विधि का विकास किसने किया था, लेहमान किया था, स्टिया कराने वाला था, एक सैन्य अधिकारी था। तो आज भी ज्योग्राफी का वीडियो खत्म हुआ, अब हम लेकर आएंगे हिस्ट्री का लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।